जीने के लिए पढ़िए। जो हम लोगों का संगठन है ये आप लोगों के लिए कुछ न कुछ हमेशा करता रहेगा। जीने के लिए चार चीज चाहिए होता है, कौन कौन सा? रोटी, कपड़ा। पहली बार हमें जीने के लिए चार चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए तो सब लोग कहते तीन चीज ना, रोटी कपड़ा मकान। तीन चीज की व्यवस्था कौन कर रहा है? मम्मी पापा यस सर कर रहे हैं ना, यस सर। एक्चुअल में जीने के लिए चार चीज चाहिए होता है, कौन कौन सा? रोटी कपड़ा मकान। असली में जिंदगी जीने के लिए शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए? शिक्षा। हाँ, एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। हाँ, देखिए हमारे पास समझिए, सारी चीजों की जो आप लोगों की जो व्यवस्था है वो मम्मी पापा कर रहे हैं। खाना पीना समय से मिलता है, बस पढ़ना है आप लोगों को, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आज समझ में आई? रोज 3 बजे से 4 बजे तक आप लोग क्लास चलती है, पढ़ाते हैं सर, पढ़ाते हैं, अच्छा मैडम लोग पीट भी दिए ना, हम बताए आप लोग हमारे पास ध्यान सुन लीजिए, आप लोगों के मम्मी पापा का ध्यान रखिए, दूसरी चीज पढ़ाई और तीसरी चीज सफाई। देखिए कपड़ा फटा हो चलेगा लेकिन साफ हो, एक चीज की आदत डालिए आप लोग, कपड़ा फटा हो चलेगा लेकिन। दूसरा चीज आपको पता है बहुत सारा वायरस आया हुआ है, पता है ना, रोज टीवी में जा रहा हाथ धोइए, रोज कहता है साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, ठीक है? तो हम लोगों का संगठन है, संस्थान है, ठीक है? पहले ये सुनो, देखो जो हम लोगों का संगठन है ये आप लोगों के लिए कुछ न कुछ हमेशा करता रहेगा, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के, चाहे वो मिठाई को लेकर के, चाहे आप लोगों को पढ़ने का सामान लेकर के, ठीक है? आप लोगों को पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी हमारी है, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। आप लोग पढ़ा करिए, जीने के लिए पढ़िए, अपने लिए। हिमालय कोई पूछ पूछ तो क्या कहेंगे, नहीं आता, बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? होगी ना, इतने बड़े हो गए हो, ABCD आता है कि नहीं? आता है ना, तो अगर मैं सबको आता है, चलिए ठीक है। आप लोगों ने कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए किया है, जो भी किया है उसको आप लोग लीजिए, पढ़िए मन से, ठीक है? बाकी अगर आपको कभी समस्या होती है, हम लोगों की अगर आप लोगों को कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो कभी भी हम लोग आ जाएंगे, जो भी सर पढ़ाएंगे उनसे आप लोग बताएंगे तो हम लोग आएंगे, आप लोगों की समस्या को सुनेंगे, ठीक है? आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप लोगों का बस एक दायित्व क्या, पढ़ना, क्या है, ठीक है? अरे यहाँ पूरी टीम है, बात को समझिए, कंप्यूटर के ज्ञानी हमारे धीरेन्द्र सर, कंप्यूटर का नाम सुने हो? क्या होता है सर, कंप्यूटर चलाते हैं ना, चलाते हैं, नहीं होता है कंप्यूटर, धीरेन्द्र सर आपको सिखाएंगे। बाकी सचिन सर हमारे मल्टीमीडिया है, केमिस्ट्री जितना आता है सब पढ़ा देंगे, विचार अच्छा हमको भी आता है हम भी पढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे हरकेश सर है, जो आप लोगों को वीडियो फोटो जितना दुनिया, मान लो जिसके अंदर डांस का टैलेंट है, हमारे सौरभ सर कहाँ गए, सौरभ सर चले गए, डांस का टैलेंट सौरभ सर दे देंगे, ठीक है? गाने का टैलेंट कौन, आशुतोष सर, ये गाना भी गाते हैं बढ़िया, ठीक है? सुनिए हमारी बात सुनिए, हाँ तो सारा टैलेंट आप लोगों के पास है, बस आप लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है उसे दिखाइए। अगर डांस करने का मन तो डांस करिए, गाने का मन है तो गाना गाइए, लेकिन एक काम करिए, अगर सफल होना है तो, बात समझ में आई? और देखिए हम बताएं, आप लोगों को सफल होना है, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी सारा एजुकेशन का हम लोग डिपार्टमेंट संभालेंगे, ठीक है?